अस्सलाम वालेकुम भाई जान। तो आज हम इधर आए हैं, एक और टूवल है उस पर। तो ये देखें, टूवल अभी चल रहा है, तो इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो इधर खेत है। और इधर आज हम रिक्शा धोने के लिए आए हैं, तो ये आपको रिक्शा भी मैं दिखाता हूँ। ये भी टूवल चल रहा है, इसका पानी भी इधर जा रहा है, वो भी आप लोगों को चेक कराता हूँ। तो ये देखें, आज हम रिक्शा धोने के लिए आए हैं, रिक्शा इधर खड़ा है, इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर जो फसल हमने भेजी हुई है, वो भी आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ। तो भाई जान, ये जो मेरे पीछे दरख्त हैं, ये जम्मू के दरख्त हैं, तो इसके आगे भी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये पीछे दरख्त जम्मू का दरख्त खड़ा है, और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, खजूरों का बाग भी है इधर। तो भाई, आज मैं आपको पूरे गांव की सैर करा रहा हूँ, तो इसके आगे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये जम्मू का दरख्त है जो मेरे पीछे खड़ा है, तो इसके आगे मैं आपको चेक कराता हूँ। इधर मक्के की फसल है और खजूरों का बाग है, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये भाई जान मेरे पीछे खड़ा है, खजूरों का बाग है, तो आप देख सकते हैं इधर मक्की की फसल है, मक्की की फसल के साथ ही खजूरों का बाग है, खजूरों के बाग के साथ ये हमारा जामुनों का बाग है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो मक्की की फसल है, ये साथ में मक्की की फसल खड़ी है, और पीछे देखो उससे पीछे खड़ी है खजूरों का बाग है। तो खजूरों के बाग को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मक्की की फसल दिखाता हूँ, ये पीछे मक्की की फसल है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को आई ट्यूबवेल का पानी जिधर जाता है वो चेक कराता हूँ। तो ये खजूरों का बाग है, इसके अलावा ये जामुनों का बाग है। तो इससे अलावा मैं आप लोगों को और कुछ भी दिखाता हूँ, बहुत कुछ देखने वाला है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ टूवल पर, जहाँ पे हमारे दोस्त रक्षा धो रहे हैं, वो भी आपको मैं चेक कराता हूँ। तो वो दोस्त मेरा खड़ा है, उसमें वो भी रक्षा धो रहा है, तो वो भी आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ। तो उससे अलावा ये हमारे पीछे जो है मक्की की फसल है, मक्की की फसल के बारे में जानने के लिए ये अभी तैयार हो चुकी है, तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ये दोस्त मेरा अभी रक्षा धो रहा है, वो भी आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ। ये दोस्त मेरा रक्षा धो रहा है, ये भी आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये देखते हैं, अभी रक्षा धो रहा है।
ये भाई रक्षा धो रहा है, तो आज मैं आपको चेक कराता हूँ किस तरह से रक्षा धो रहा है। तो ये अभी भाई रक्षा धो रहा है, तो इसके आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। इधर भिंडी की फसल है, वो भी आपको मैं चेक कराता हूँ। तो भाई जान जो जो मेरे पीछे खड़ी है ना, ये भिंडी की फसल है, तो आपको मैं भिंडी भी चेक कराता हूँ इधर। तो ये भिंडी की फसल है, ये देखें इस पर भिंडी भी लगी हुई है, ये चेक करें इस पर भिंडी भी है। और तकरीबन ये 4 किले का रकबा है जिसमें हमने भिंडी बीजी हुई है। तो इसके अलावा ये साथ में, इसके साथ मक्की खड़ी है, मक्की के साथ पीछे जामुनों का बाग है, और ये बेर का दरख्त है। इसके अलावा इधर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, वो भी मक्की की फसल है। उसके अलावा ये 4 किले का रकबा है जिसमें हमने भिंडी बीजी हुई है, तो आप लोगों को मैं भिंडी भी चेक कराता हूँ। ये इधर देखें, ये भिंडी खड़ी है। तो उसके अलावा ये देखें, भिंडियों के फूल लगे हुए हैं, इसी फूल से फिर भिंडी तैयार होगी। भिंडी के बाद हम इधर फिर खेतों में आते हैं भिंडी चुगाने के लिए, तो चुगा के हम लेके जाते हैं इधर। हमारे शहर में मंडी लगती है उसमें, तो ये हमारे गांव का माहौल है। तो अभी उधर मेरा दोस्त रक्षा धो रहा है, तो रक्षा धोने के बाद हम जैसे ही घर पहुंचेंगे तो उधर आपको गांव का माहौल भी दिखाएंगे। ये अभी आज हम एक नया टूवल है उस पर आए हुए हैं, तो इस टूवल का पानी जो है इन 4 किले रकबा भिंडी का है उसमें जाता है। उसके अलावा ये साथ में खड़ी मक्की है, मक्की में पानी जाता है। उसके अलावा जाता है इधर जमुनों का बाग है, उसको लगाते हैं, खजूरों का बाग है, उसको भी लगाते हैं पानी। तो वो जो मेरे पीछे सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो टाली है, टाली का दरख्त है। उसके अलावा ये साथ में खड़ी है तकरीबन मक्की है, मक्की के अलावा ये हमारे दोस्त का मकान है। उसके अलावा इधर ये बेर का दरख्त है, बेर के दरख्त के आगे लेके आपको चलते हैं मक्की की तरफ।
ये साथ में मक्की खड़ी है। तो इसके अलावा मैं आपको चेक कराता हूँ, इधर दोस्त मेरा कह रहा है कि मुझे ना घास लेके जाना है उधर अपने जानवरों के लिए, तो मुझे आओ घास उठाने के लिए मेरी मदद करो। तो मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ उसको घास उठाने के लिए, तो आगे आपको मैं चेक कराता हूँ बिल्डिंग मज़ीद। भाई जान इधर मैं आया हूँ, तो ये देखें पीछे मक्की की फसल खड़ी है। तो ये जो इस दरख्त के नीचे खड़ा हूँ ये बेरों के दरख्त हैं, और साथ में किक्कर भी खड़ा है। तो ये देखें ये हमारे इस खेत की भिंडी है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 किले का रकबा है, इसमें भिंडी बीजी हुई है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये भिंडी का खेत है, तो इस फसल से हम ये निकालते हैं तो इधर फिर मंडी में लेके जाते हैं। तो ये पीछे मक्की खड़ी है, उसके अलावा मैं आपको चेक कराता हूँ ये बेरों का दरख्त है, इसके अलावा साथ में ये किक्कर का दरख्त खड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे।